मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के मिंटो हॉल में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोडमैप 2023 के बारे में बताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना काल में हमारे सामने आर्थिक चुनौतियां थी, उधार लेकर काम चलाया, पर अब स्थितियां धीरे धीरे सुधर रही हैं। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश ने प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का रोडमैप बनाया है, इसके परिणाम हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। शिवराज ने कहा, कोरोना काल में खजाना खाली हो गया था। अधिकारियों ने कर्मचारियों का वेतन काटने का प्रस्ताव दिया, पर हमने इसे अस्वीकार कर दिया। कर्मचारियों का वेतन नहीं रुकने दिया। मुख्यमंत्री यह नहीं कह सकता कि मैं क्या करूं। शिवराज ने कहा कि रोड मैप को लेकर लगातार समीक्षा होगी। प्रत्येक 30 दिन में विभागों को रिपोर्ट देनी होगी। विभागीय मंत्री और प्रमुख अधिकारियों से उन्होंने कहा कि रोड मैप को पूरा करने के लिए कार्य योजना बनाकर काम करें। दीनदयाल उपाध्याय समितियों के माध्यम से रोड मैप के क्रियान्वयन पर गांव-गांव में नजर रखी जाएगी। शिवराज ने कहा कि किसानों की आय दोगुना करने के साथ रोजगार के मौके बढ़ाए जाएंगे। इसके लिए निवेश को बढ़ावा देने के साथ ही कृषि को प्रसंस्करण से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा, चंबल में अटल प्रोग्रेस वे और नर्मदा एक्सप्रेस वे पर सड़क के साथ दोनों ओर औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। उन्होंने कहा, निवेश को बढ़ावा देने के साथ जरूरी धनराशि का इंतजाम बजट से बाहर से किया जाएगा। इस दौरान शिवराज ने छोटा उद्योग चलाने वाले लोगों से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। हम जानते हैं कोरोना काल में मैं भी बीमार हुआ, अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। मैं एक एक बात एक अपील और आज करना चाहूंगा, क्योंकि लाखों लोग आज हमें सुन रहे हैं। कोरोना को हमने नियंत्रित कर लिया, हम निपट भी लिए। मैं और मेरे मंत्रिमंडल के सारे साथी यहाँ, अरविंद जी जैसे, ओम प्रकाश जी जैसे, हमारे कई मोहन भी, कई साथी बैठे जो कोरोना से जूझे हैं, लेकिन उस समय भी हम बैठे नहीं। लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से काम में जुटे रहे। कोरोना काल ने हमारी अर्थव्यवस्था ध्वस्त कर दी। आज मैं आपको बताता हूं कि 3-4 महीने तो खजाने में पैसा था ही नहीं, आ ही नहीं। बीच में यह प्रस्ताव भी आया कि भारी आर्थिक संकट है, इस बार कर्मचारियों की तनख्वाह कुछ महीने के लिए कम कर देते हैं। लेकिन हमने कहा कि कर्मचारियों की तनख्वाह तो किसी भी कीमत पर कम नहीं होगी। इतना जरूर है कि एरियर की राशि का भुगतान और इंक्रीमेंट जैसे मामले हैं वो हमने स्थगित किए, लेकिन बाद में उसकी पाई पाई भी हम देंगे। वैसी परिस्थिति में जब अर्थव्यवस्था संकट में है, आज ये रोड मैप जनता के सामने प्रस्तुत करना और उसको पूरा करने का संकल्प लेना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन जहाँ चाह होती है वहाँ राह को निकलना पड़ता है। हम राह निकालेंगे मध्य प्रदेश के नवनिर्माण की, विकास की और जनता के कल्याण की। एक संकल्प के साथ अपने आप को हम बांध रहे हैं। अकेला मैं नहीं, आप सब, मेरे मंत्री साथी, मेरे अधिकारी जो आज मेरे सामने बैठे हैं, कलेक्टर्स और बाकी फील्ड के अधिकारी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमसे जुड़े हैं, आज सबको संकल्प लेना है इस रोड मैप को पूरा करने के लिए। हम धन की भी व्यवस्था करेंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।